हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक रूम को। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 3D मॉडल क्रिएट करेंगे अब हम रूम का। सो ओपन करेंगे हम स्वीट होम 3D, और अब हमारे पास ओपन हो गया है ये सॉफ्टवेयर। जल्दी जल्दी जल्दी, ओके सो आ गया। ओके सो अब हम एक रूम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, बेसिक सा रूम। सो मैं अपना ही रूम यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ट्राई करूँगा कि अच्छे से कर पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हमारे पास यहाँ पे मैप वाली साइड में सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है हमें सब कुछ, या मीटर में, जो आप समझे समझ लो। सो अब यहाँ पे वॉल क्रिएट करते हैं हम। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वॉल हैं, तो 4 वॉल क्रिएट करेंगे हम। सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 5 में, तो हर जो वॉल होगी 5x5 की होगी। सो 0 पे क्लिक करते हैं। ओके सो टॉप की साइड में 0 लूँगा, और तो ध्यान से 0 0 से स्टार्ट करना है। सो वॉल स्टार्ट होती है मेरी 5 पे, ख़त्म। अगली स्टार्ट होती है, और यहाँ पे चेक करते रहिएगा, 5 5 आ गया, 5 पे ख़त्म। और अब मैच करनी है ये, और हमारे पास वॉल क्रिएट हो गई। अब मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। तो अब हम अगर डिज़ाइन को देखें यहाँ पे, तो वॉल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, काफ़ी इजीली हमने क्रिएट कर ली वॉल। अब इसके अंदर जो है हमें एलिमेंट्स को रखना है। तो यहाँ पे एक डेस्क है, एक चेयर है, एक बेड है, एक अलमीरा है। सो ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके और एक डोर। सो सबसे पहले अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं किचन की। तो किचन हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, नहीं चाहिए, तो डोर्स और विंडोज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे एक डोर है, तो डोर पे क्लिक कीजिए और उसे ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे। सो अब हमें यहाँ पे डोर दिखाई दे रही है हमारी आउटपुट में। अब हम सिंपली इसे रख देंगे इस साइड, यहाँ पे जो है डोर है मेरे रूम की। सो डोर को हमने अटैच कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर आउटपुट देखें हम, तो डोर यहाँ पे बन चुकी है हमारी। अब यहाँ पे डोर है और यहाँ पे डेस्क। तो अब मैं डेस्क को यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन इसकी, लिविंग रूम में होगा क्या। ओके लिविंग रूम में डेस्क है, तो डेस्क मिल गया यहाँ पे। इसे पकड़िए और ड्रैग कर लीजिए उस जगह पे जहाँ पे हमें रखना है इसको। ओके सो डेस्क यहाँ पे रख दिया हमने डेस्क को। ओके अगर इसमें मॉडिफिकेशन करनी है हमें, जैसे कि जो मेरा डेस्क है वो थोड़ा लाइट ब्राउन है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा और जाऊँगा मॉडिफाई फर्नीचर में, और यहाँ पे कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी, जैसे कि लाइट ब्राउन है तो लाइट ब्राउन जैसा थोड़ा सा लूँगा, कुछ इस तरह का ही है ये। ओके कर लिया, और अब डेस्क का कलर ऐसा हो चुका है मेरे। अगर मैं इसे टेक्सचर देना चाहता हूँ या किसी इमेज का बैकग्राउंड, तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके सो मॉडिफाई फर्नीचर में जाऊँगा वापस, टेक्सचर सेलेक्ट करूँगा। टेक्सचर है इसका शायद, नहीं नहीं नहीं, ये इसी कलर का ठीक है। ओके वॉल्स को कलर दे देते हैं, वॉल को थोड़ा टेक्सचर दे देते हैं, ये थोड़ी क्रीम कलर की है। ओके सो अब मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूँ। मल्टीपल वॉल को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। ओके सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और जाना है मॉडिफाई वॉल्स में। ओके मॉडिफाई वॉल्स में जाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन है, टेक्सचर की है और कलर्स की है। सो अब वॉल की भी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है आउटसाइड और एक इनसाइड, जो कि लेफ्ट राइट से आपको पता लग जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ और इसे पिंक कलर देता हूँ, ओके करता हूँ, और अंदर वाले को दे देता हूँ थोड़ा सा रेडिश, नहीं थोड़ा स्किन कलर है शायद। ओके सो बाहर मैंने इसे रेड कलर दे दिया है और अंदर दे दिया है थोड़ा स्किनी। सो कुछ इस तरह का जो रूम बन रहा है मेरा। ओके अगर आप चाहें तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि प्लांट्स अगर आप अपने रूम में रखते हैं तो किस तरह के दिखाई देंगे, सो वो भी कर सकते हैं इजीली। तो आपको अवेलेबल है लिविंग रूम के अंदर प्लांट्स। अगर आपको ये एलिमेंट्स अवेलेबल ना हो, तो आप सिंपली गूगल में जाइए, टाइप कीजिए 3D एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिए सर्च कीजिए, और आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे और आप उनके यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रैग कीजिए यहाँ पर मैप में, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। ओके सो कुछ इस तरह का यहाँ पे ये लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके प्लांट यहाँ पे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मेरा
बेड रखना है मुझे। ओके बेडरूम में क्लिक कीजिए और यहाँ पे बेड है हमारे पास, इसमें क्लिक कीजिए और बेड मेरा पीछे ही है। सो कुछ यहाँ पे है, ये बेड मेरा बिल्कुल सेम ऐसा ही है लंबा सा बस। सो बेड यहाँ पे है और कुछ इस तरह का ही है मेरा रूम। सो यहाँ पे रूम हमने क्रिएट कर दिया है। सो अब यहाँ पे एक अलमीरा है मेरे रूम में और बाकी कुछ नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे एक अलमीरा सेलेक्ट करता हूँ। ओके सो यहाँ पे अलमीरा पता नहीं कहाँ जैसे है। ओके सो बुक शेल्फ ले लेते हैं। नहीं, हाँ कुछ इस तरह। ओ नहीं, ओके ग्लास कैबिनेट को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे है वो। ओके सो यहाँ पे है मेरी अलमीरा। इसकी हाइट बड़ी करने के लिए आप या तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को, कुछ इस तरह का एरो आएगा, इससे आप हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक कीजिए मॉडिफाई फर्नीचर में जाइए, वहाँ पे भी आप इजीली हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह का है मेरा रूम, ऊपर से भी नीचे से भी आप देख सकते हैं इसको किस तरह का है मेरा रूम। सो काफ़ी छोटा सा रूम है और इतना ही सब कुछ है यहाँ पे और कुछ नहीं है। सो गाइस इस तरह से हम क्रिएट करते हैं किसी मॉडल को। आप इसके थ्रू जो हो ऑफिस को क्रिएट कर सकते हो, आप किसी शॉप को क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, आप रूम का डिज़ाइन कर सकते हो, और आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले, ओरिजिनली इम्प्लीमेंट करने से पहले ही पता होगा कि किस तरह का रिजल्ट आपके पास आएगा अगर आप बेडरूम को वहाँ बेडरूम में बेड को वहाँ पे रखते हैं या अलमीरा को वहाँ पे रखते हैं, तो क्या रिजल्ट आपके पास आने वाले हैं तो आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लग जाएगा। या फिर आप एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है ये सॉफ्टवेयर, या आर्किटेक्चर हैं जो भी हैं, अगर आपसे की फील्ड से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर है तो आपके काफ़ी काम आएगा और काफ़ी यूज़ कर सकते हो आप इसको। सो काफ़ी इजी यूज़ करना है इसका और आप बस कर सकते हैं इसका यूज़ इजीली। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।